एक बड़ी खबर आपको बता दें, घर पर हुए ड्रोन हमले के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्वीट कर हिजबुल्ला और ईरान को खुली चुनौती दी है। नेतन्याहू ने चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें और उनकी पत्नी को निशाना बनाने की कोशिश करके ईरान और हिजबुल्ला ने बड़ी गलती की है और अब उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। हम आतंकियों और उन्हें भेजने वालों को खत्म करने का काम जारी रखेंगे। हम अपने बंधकों को गाजा से वापस लाएंगे। हम अपने नागरिकों को सुरक्षित रूप से उनके घरों में वापस लाएंगे जो हमारी उत्तरी सीमा पर रहते हैं। इसराइल जंग के अपने सभी उद्देश्यों को हासिल करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षा की वास्तविकता को बदलने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। एक बड़ी खबर आपको बता दें, घर पर हुए ड्रोन हमले के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्वीट कर हिजबुल्ला और ईरान को खुली चुनौती दी है। नेतन्याहू ने चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें और उनकी पत्नी को निशाना बनाने की कोशिश करके ईरान और हिजबुल्ला ने बड़ी गलती की है और अब उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। हम आतंकियों और उन्हें भेजने वालों को खत्म करने का काम जारी रखेंगे। हम अपने बंधकों को गाजा से वापस लाएंगे। हम अपने नागरिकों को सुरक्षित रूप से उनके घरों में वापस लाएंगे जो हमारी उत्तरी सीमा पर रहते हैं। इसराइल जंग के अपने सभी उद्देश्यों को हासिल करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षा की वास्तविकता को बदलने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं।